नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के कोने कोने में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। आलम यह है कि दुनिया के ताकतवर देश भी पूरी तरह इसकी जद में आ चुके हैं। भारत में भी हालात बेहद गंभीर हैं, क्योंकि अब तक कोरोना के 2000 से भी ऊपर मामले सामने आ चुके हैं। 58 लोगों की मौत और महज 148 लोगों को ही रिकवर कर पाए हैं। इन हालातों में जनता कर्फ्यू से लेकर भारत लॉकडाउन, पीएम केयर फंड और राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना को हराने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और इस किलर वायरस के चलते राज्यों में क्या हालात हैं, इसका जायजा लेने के लिए आज पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। संकट की इस घड़ी में कोरोना से लड़ने के लिए कुछ राज्यों ने हालातों पर काबू तो पाया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां हालात उल्टा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से हालातों की जानकारी ली, तैयारियों के बारे में पूछा और ये भी जानने की कोशिश की कि किस प्रकार की सहायता वो केंद्र सरकार से चाहते। मेडिकल उपकरणों की सप्लाई से लेकर तमाम चीजों के मुहैया कराने पर चर्चा की गई। और इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 21 दिनों का लॉकडाउन बेकार नहीं जाना चाहिए। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना रोकथाम सुरक्षा उपायों का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना, स्वच्छता, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि आदि, तो जिम्मेदार होना ही हमें बचाएगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि उनके साथ केंद्र खड़ा है और हर संभव मदद की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान पीएम मोदी की चिंता लॉकडाउन को लेकर दिखी। उन्होंने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि लोगों को ज़रूरी सामान भी मुहैया कराया जाए ताकि किसी को दिक्कत ना आए। तो पीएम मोदी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर कोरोना को हराना है तो इस लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बिठाना बेहद ज़रूरी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।